देखिए इस वक्त हम टुनटुन यादव के आवास पर हैं और दिखाइए घर पर हूँ, यानी होली के बाद सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए फैनों का हुजूम है, यानी देखिए फैनों का हुजूम लगा हुआ है। टुनटुन यादव के साथ मैं जुड़ रहा हूँ एक बार फिर। देखिए टुनटुन यादव हैं, लगातार ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, यानी गाने के माध्यम से सबसे बड़ी खबर। क्या हालचाल है? हाल चाल तो ठीक है मनीष साहब भैया, तहार का हाल चाल बा? बिल्कुल अच्छे है, लेकिन बहुत आपका शुभकामनाएं होली का, ढेर सारा शुभकामनाएं। तहरू के ढेर सारा हार्दिक शुभकामना, दिल से धन्यवाद बा कि तू हतना जल्दी हमरा के याद कर ले बोलो भैया। लगातार यानी सोशल मीडिया में आपका गाना वायरल हो रहा है होली के, और लगातार जो गाना आया है खेसारी वाला जैसे जिम बनाए वो हो जाए दर्शकों को। अरे की कहलू बनावे के खेसारी जस बॉडी आशक बात देख लो ना खेल के कबड्डी। अरे की फिट रही देह मारो बिमराज जी पेट निकले जो बहन कला जी राजा जी। देखिए टुनटुन यादव कहीं ना कहीं सुपरस्टार यानी खेसारी जी के फैन हैं, और लगातार खेसारी जी पर गाना गाते हैं, और लगातार मैं होली के बाद मैं विजिट कर रहा हूँ। मैडम कहाँ है? कुछ ही देर में मैडम को हम लेने वाले हैं, ये सबसे बड़ी खबर। मैडम अपने गांव चली गई। गांव चली गई है? देखिए सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है कि मैडम गांव चली गई हैं। क्या होली में भेज दिए हैं भैया? नहीं नहीं आज सुबह ही गई, कल जाना है उनको, दिल्ली जाएंगे। चलिए देखिए होता है, मैं बहुत एक और गीत होना चाहिए दर्शकों को हमारा होली के, ये जो हाँ 100 नंबर हो जाए ट्रेंड कर हम बाड़ू बेवफा सनम। अरे की 100 नंबर डायल तू ही कहिल आ तू ही पुलिस प्रशासन के बोलाइलु आ अपना मनीषवा के लाठी से पिटवाइलू। होते रहता है ये इंटरटेनमेंट के माध्यम से गीत गाए हैं टुनटुन यादव। मैं चाहूँगा कि लगातार सोशल मीडिया में सुपरस्टार पवन सिंह के पथराव किया जा रहा है, क्या लग रहा है आप जो वीडियो दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो भी भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं। हाँ और भोजपुरी में एक दो नंबर पे वो लोग हमेशा रहते हैं, पवन भैया और खेसारी भैया। और जी भी कहले भाई गलत बात बोलू, आप लोग अगर पसंद नहीं है तो आप लोग मत जाइए। सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है कि खेसारी जी के फैन ने मारा है, क्या सही है क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो कौन किसका ऐसा कुछ थोड़े ना है कि खेसारी भैया का फैन चाहे पवन भैया का फैन चाहे राकेश मिश्रा भैया का फैन रितेश पांडे भैया का फैन, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर किसी को हर किसी से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या जातिगत प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है या अश्लील प्रॉब्लम है ये तो कोई नहीं जान सकता है। हाँ और भोजपुरी के नंबर वन कलाकार है वो, और हम उनको हमें मानते हैं कि कौन सी नंबर वन कलाकार है। नंबर वन पे कभी वो रहते हैं कभी नंबर वन पे खेसारी भैया रहते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों लोग मतलब जो होना चाहिए, कोई 99 है तो कोई 98 है, बाकी ये नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, दोनों लोग समान हैं। और फ्लोअर्स के माध्यम से देखा जाए तो इंस्टाग्राम से हो गया चाहे फेसबुक हो गया तो ज़्यादातर खेसारी भैया का वो फ्लोअर्स है, हालांकि लेकिन दोनों लोग अच्छे गाते हैं, कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा एक्टिंग करते हैं, कोई अच्छा बोल लेते हैं तो कोई अच्छा गा लेते हैं, और दोनों लोगों में टैलेंट है और दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को देखकर मेहनत करते हैं कि हम इनसे आगे हमसे आगे ना जाए, चाहे वो सोचते हैं वो हमसे आगे ना जाए, और हम ही सोचता नहीं कि हमारों से कोई आगे ना जाओ, लेकिन हम चले गए हमारे सभी लोग आगे जाओ, हमारा थोड़ा थोड़ा गाना बजाते रहो बाकी हमारा कुछ ना चाहिए। अरे आपका तो लगता है ट्रेंड में गाना रह रहा है, कैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बजते रहे? एक बात बता रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं ना कि मतलब हम सबसे आगे चले जाए। तो करोड़ों में कमा लिए महाराज अभी तो स्टार्ट भइल बा, यहाँ तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। फिल्म बाकी है, देखिए हुजूम है यानी फैनों का हुजूम है, और 7 बज रहा है, मैं इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं लगातार। हाँ दिखाइए किस तरह से, कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाइए हुजूम यानी टुनटुन यादव के घर पर हुजूम लगता है, ये रोज लगता है क्या भैया?
रोज नहीं, देखिए इसी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए, लोगों की बातें सुने, अपने आप को अपने आप से भी डर हो रहा था कि हम लोग ये मुकाम पाएंगे कि नहीं। ये लोग इतने जल्द आसानी से थोड़े ना है, फैन किसी का लोग आसानी से थोड़े ना बोल जाते हैं। जब तक आप बजिएगा नहीं, जब तक आप लोगों के दिल तक नहीं जाइएगा, तो किसके पास आज के डेट में टाइम है कि आपके पास लोग दर्शन करने आएंगे, आपसे सेल्फी लेने के लिए आएंगे। हमने मेहनत किया, हमारा गाना पसंद आ रहा है लोगों को, तभी हमें लोग मानते हैं और हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, और जो भी हमारा दरवाज़ा पे वाला सबके हम रिस्पेक्ट देवीला और चाहिला कि ज़्यादातर उनका हम खुश करके भेजी। हाँ, 99% लोग मुझसे खुश होकर जाते हैं, 2% नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं रह पाते हैं घर पे, चाहे कुछ लोग अपने अपने लगातार आप शूटिंग में भी व्यस्त रहते हैं। हाँ, शूटिंग ही तो काम है, वही तो इस जगह तक पहुँचाया ना। देखिए, सोशल मीडिया के किंग है यानी टुनटुन यादव, लगातार सोशल मीडिया में यानी गाना के माध्यम से एकदम वायरल रहते हैं। मैं चाहूँगा कि ये बताइए, आज पवन सिंह के साथ ये हुआ ऐसा घटना, कल आपके साथ होगा, कल खेसारी जी के होगा, क्या दर्शकों के कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी देखा था हमारा, ये हमला हुआ है, ये हमला कही। हाँ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर हमें कोई पसंद नहीं करता है तो हमारा गाना मत सुनिए, आप हमारे सामने मत आइए, हमारे पास मत आइए। हम कहीं शो करने जाते हैं, हम किसी का तो कोई भी कलाकार किसी के घर नहीं जाता है, अपना शो करने जाता है, तो आप लोग मत जाइए, पसंद नहीं करते हैं तो मत जाइए, जो भी है। यानी आप पवन सिंह के आप सपोर्ट करते हैं इस हमला के लेकर? देखिए, हम हमेशा हर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम रखे हैं उसी को नहीं, सबको हम सपोर्ट करते हैं। हम अपने में आप नाम नहीं रख सकते हैं क्या पवन सिंह? मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं पवन भैया को सपोर्ट करता हूँ, भोजपुरी के सारे कलाकार को सपोर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, सबको सपोर्ट करता हूँ, और सब लोग अपने अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और पता ना वो किन किन को सपोर्ट करते हैं वो जानेंगे, लेकिन हम सबको सपोर्ट करते हैं। चलिए, देखिए टुनटुन यादव कहीं ना कहीं पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं और खेसारी जी के भी सपोर्ट करते हैं, ये मानना पड़ेगा क्या? सबको करते हैं, प्रमोद भैया को, रितेश पांडे भैया को, हमारे कल्लू जी को, डीपी बा, सभे बा, मतलब जो नाम ही वाले को नहीं, जो आज भी गा रहे हैं ना उनको हम सपोर्ट करते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे कलाकार हैं, वो पवन राजा भैया, मसूरिया मेल जी, हमारे वो एसकेडी भैया, छोटू छलिया भैया, मतलब जो भी कलाकार हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पवन सिंह से कभी मुलाकात हुआ है या नहीं? और नहीं, हमारा मुलाकात नहीं हुआ है। अगर पवन सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा कि नहीं? अब वो हम चाहेंगे तो तब ना होगा, वो तो अपने काम में, देखिए बड़े बड़े जो इंसान हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो हम अगर जाएंगे तो हम क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। खेसारी जी से कितने बार अपने मुलाकात हुआ? अब उनसे मुलाकात तो कम से कम 50 बार हो गया। बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप बहुत खेसारी जी पे भी गाना गाते हैं, पवन सिंह पर गीत गाएंगे या नहीं? ये तो जरूरी है दर्शकों को बताना। बता रहा हूँ मैं आप ज्यादातर जोड़ने लगे, हम खुद पे गाना गाएंगे ना, हम खुद के लिए गाना गाते हैं, और वो अगर मान लीजिए कि हमारे वो ज्यादा नजदीकी आ जाएंगे तो क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं, वो तो दिलदार है, पावर स्टार है, सब लोग के दिल में राज करते हैं, क्यों नहीं? आप गाँव के हैं, आप जिले के हैं, क्यों नहीं आएंगे? बाप लोग चैनल, मैं भी इनका पति के इंटरव्यू कराएंगे कुछ ही दिन में, लगातार बने रहेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती, बिहार।